डॉक्टर के मोहम्मद गयासुद्दीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता के सदस्य ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन और राशन किट का वितरित किया, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित है। बेंगलोर में कई स्थानों पर वो ज़रूरतमंद लोगों को हर रोज 6,000 लीटर से अधिक गंजी वितरित कर रहे हैं। रमज़ान के मौके पर भी और तालाबंदी के कारण वो ये कहते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ऐसा करना जारी रखेंगे। यही हमारी दुआ है, अल्लाह का एहसान है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी जानिब से जो है खिदमत जारी है, और रमज़ान में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का इफ्तार का लगभग 4,000 आदमियों को खाना जा रहा है। और भी तकाजा बढ़ेगा तो इंशाल्लाह तैयार हैं, टीम सारी तैयार बना कर रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इसके अलावा आश का भी काम चालू है, आश भी जा रहा है, जहाँ से सारे बेंगलुरु से जहाँ से भी तकाजे आ रहे हैं वहाँ से पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 6,000 लीटर का जो है काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे और भी बढ़ाएंगे, अगर तकाजा बढ़ेगा तो इंशाल्लाह और बढ़ाएंगे। क्यों बेंगलुरु में नहीं मिल रही आश? वही अभी ये लॉकडाउन के चलते आदमियों को प्रॉब्लम है, कई सारे ये सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, और कई सारे मसाइल हैं कि उन तक जो है राशन नहीं पहुंच रहा है, कई सारे मराहिल हैं, कई सारे मसाइल हैं। तो इस वजह से जो है हमने अहद कर लिया है कि नहीं, जहां तक हमारी ताकत हो सके हम सारे भाई मिलकर जो है इस काम को जो है अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें हमें इस काम करने की तौफीक और हिदायत अता फरमाई, और उसी के फजलो करम से जो है ये काम चल रहा है। सबसे दुआ की भी दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक जो है इसको जब तक ये लॉकडाउन चलेगा और जब तक ये सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह काम भी खिदमत का सिलसिला भी ऐसा ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। जा रहा है कई जगह, जा रहा है इलियास नगर जा रहा है, गोरी पड़ला जा रहा है, बिस्मिल्ला नगर जा रहा है, तिलक नगर जा रहा है, टांगाडन जा रहा है, सिद्धापुर जा रहा है, और यहाँ पर बादरनपुरा, ये अपना चामरासपेट, चिकपेट, कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से भी हर रोज़ मेन्यू में रहता, अलग अलग चेंज, वेजिटेबल ही जा रहा है, बस वेजिटेबल से ही जा रहा है। टोटल कितनी टीम है तुम्हारी, कितने इसमें? लगभग इसमें जो है 30 अफराद काम कर रहे हैं, और वो जो खिदमत कर रहे हैं वो अलग से जो है वो 30-40 हैं, और ख़ुद अपने अपने सवारी लेकर आते हैं और ख़ुद खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। उनकी भी हम खिदमत की दाद देते हैं कि खुद वहाँ पे अपने इलाकों की फ़िक्र करके जो यहाँ तक हम तक पहुँच कर जो है वो उन इलाकों में जो है काम कर रहे हैं। जो है नहीं कर पाएंगे, क्राउड बढ़ जाएगा, तो इस वजह से जो है हमने इंतज़ाम का परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। कई जगहों पे हमने देखा कि आश बनाने के लिए जो है परमिशन दिया नहीं जा रहा है, तो हमने जो है यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करके हम भेज रहे हैं बनाकर। जब से मैं ये लड़कों को देख रही हूँ, जब से खिदमत में हाजिर हैं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह नगर में हमारे वास्ते आश नहीं है, बनाने नहीं दिए उधर, यहाँ पर खलास पल्ले की क्या कैसी इसको मिडिल स्कूल में 4 देख चढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों का इंतज़ाम हो रहा है आश को, क्या वो गुरुधड़ली तक वहाँ जा रहा है। बिस्मिल्लाह नगर में हमारे को बनाने आर्डर नहीं दिए, इसलिए इधर मेडिकल स्कूल में आर्डर लेकर पूरे कहना 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 लेकर पूरा एरिया डाल रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा के ब्रदर्स वाले बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रही हैं, उसमें अच्छी से अच्छी बेहतरीन कनकी डालते हैं और भाजी डालते हैं, और उसमें थोड़ा कीमा डालते हैं, सभी अच्छी से अच्छी चीज़ पहुंच रही है। कितने बजे से पकाते हैं? ये सुबह या के 9 बजे स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छा पकाते हैं, 6 से 7 हज़ार लीटर बनती है, 30 एरिया को जाती है, 30 या 32 एरिया को जाती है, और उधर से रिक्वायरमेंट भी आ रही है, अभी चाहिए बोल के, अभी बाजू का एरिया देख के क्या बोलता है, किधर से लेके आ रहे हैं पूछते हैं, वो उनको एड्रेस देते हैं, वो आके हमारे पास रिक्वायरमेंट पूछते हैं, हम वो रिक्वायरमेंट से फिर नया रेडी करते हैं, फिर 600 से 700 लीटर एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, बढ़ा के वो आके डेली इधर से 3:30-4 बजे तक वो लेके जाके उधर डिस्टेंस मेंटेनेंस करके सबको समझा दिया है हम, उसको डिस्टेंस मेंटेनेंस करके कुछ प्रॉब्लम नहीं, सो डोर टू डोर जाके उनको खिदमत कीजिए बोल के देते हैं। ये के गयासुद्दीन मजमान है, इनकी तरफ से है, यह मोहल्ले का खाली गंजी ही नहीं, इनका शहरी इफ्तियारी
हर चीज़ बेहतरीन से पकवान चल रहा है, जो हम घर में खाते हैं इससे बेहतरीन बना रहे हैं, बेहतरीन बना के उनको शहरी को सभी अपने जो फ्रेंड्स हैं इधर जो वर्कर्स हैं इन लेके जाके पहुंचा रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा तो लगेज ऑटो में जाएगा या पैसेंजर ऑटो में जाएगा, थोड़ा कम रहेगा तो टू व्हीलर पर लेके जाएंगे हमारे भाई लोग सभी ठीक से यहाँ पे हम सवेरे से शाम तक रहते हैं। शहरी और इफ्तारी का हम यहाँ इंतज़ाम करते हैं, तरकारी और परचेजिंग करते हैं, हम पैकिंग करके आके डिस्पर्स करते बस। इसके तरफ से के डॉक्टर गयाजुद्दीन साहब, शरफुद्दीन भाई और गयाजुद्दीन भाई साहब के से डेली शहरी 4000 आदमी की बनती है और इफ्तारी भी बनती है 6000 लीटर और गंजी भी आश की तरफ भी बनती है। सारे बेंगलुरु के तरफ से बहुत इंतज़ाम करते हैं ये लोग, बहुत खिदमत कर रहे हैं दुनिया बेंगलुरु के लोगों के लिए। और गोरी पाड़े में जा रहा है, बड़े मकान में जा रहा है, आश का इंतज़ाम माहौली में जा रहा है। और हमारे साथ भी हम सारे दोस्त अजबाब MD हम सब सारी टीम मिलकर काम कर रहे हैं बस।